स्वागत है आपका फिर एक आपके अपने YouTube चैनल पे। आज मैं आपको इस रहस्य से पर्दा उठाने की यात्रा पर ले जाना चाहता हूँ कि घुमावदार रेलवे ट्रैक पर गार्ड और लोको पायलट एक दूसरे को हरा सिग्नल क्यों दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कोई ट्रेन रेलवे ट्रैक पर किसी मोड़ पर पहुँचती है तो गार्ड और लोको पायलट दोनों के लिए प्रभावी ढंग से बात करना आवश्यक होता है। यही पर उनके बीच संचार के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक घुमावदार सड़क पर कार चला रहे हैं और अचानक आप विपरीत दिशा से आ रहे दूसरे वाहन के सामने आ जाते हैं। दोस्तों, तब आप क्या करते हो? आप अपनी हेडलाइटें चमकाते हैं या उन्हें एक दोस्ताना लहर देते हैं। खैर, ये रेलवे की दुनिया में काफी समान है। गार्ड, जो ट्रेन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है, जैसे ही ट्रेन एक मोड़ पर पहुँचती है, लोको पायलट की ओर हरा झंडा लहराता है। ये संकेत देता है कि आगे सब कुछ स्पष्ट है और ट्रेन के आगे बढ़ने के लिए ट्रैक सुरक्षित है। अनुभवी लोको पायलट ट्रेन के हॉर्न पर दो छोटे धमाके करके इस हरी झंडी को स्वीकार करता है। इससे पुष्टि होती है कि उन्होंने गार्ड के सिग्नल को समझ लिया है और पहचान लिया है। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि विशेष रूप से कब ट्रैक पर ही क्यों झंडी दिखाते हैं। मोड़ पर कभी कभी लोको पायलट के दृश्य को बाधित कर सकते हैं, जिससे उनके लिए आगे किसी भी संभावित बाधा को देखना कठिन हो जाता है। इस हरी झंडी को दिखाकर ये सुनिश्चित किया जाता है कि गार्ड और लोको पायलट एक ही पृष्ठ पर हैं और मोड़ के माध्यम से सुरक्षित रूप से नेविगेट करने के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, घुमावदार रेलवे ट्रैक पर गार्ड और लोको पायलट के बीच हरी झंडी का आदान प्रदान प्रभावी संचार और ट्रेन में सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में है। ये रेलवे परिचालन का एक आकर्षक पहलू है जो टीम वर्क और समन्वय के महत्व पर प्रकाश डालता है। आज के वीडियो के लिए बस।